जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हानी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें IGM हैदराबाद में जो वैकेंसी है आपका IGM क्या इंडिया गवर्नमेंट मिंट हैदराबाद, यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन सुपरवाइजर आपका इंजीनियर थर्ड आपका जो है सेक्टिकल असिस्टेंट लेबर असिस्टेंट 64 पोस्ट आपके लिए दी गई। यहाँ पे आपका 10th ITI डिप्लोमा वाले अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 25 साल यहाँ पे आपकी एज लिमिट दी गई है। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल की छूट भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल दी गई है। वहीं आपकी सैलरी की बात करें तो आपका 18,780 से 67,390 के बीच में होने वाली है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 650, SC ST PH के लिए 300 रुपये फीस दी गई है। 2 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट आप देख सकते हैं, अलग अलग सैलरी भी दर्शाई गई है। तो यहाँ पे आपको ITI है, डिप्लोमा है, BE BTech, VA BSc वाले अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया था एप्लीकेशन फीस व एज लिमिट का है। जूनियर टेक्नीशियन 18 से 25 है, आपका सुपरवाइजर के लिए 18 से 30 है, अदर पोस्ट के लिए 18 से 28 दी गई है। वहीं आपका यहाँ पे कैसे आप आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या क्लिक किया, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक किया न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट फर्स्ट नेम डाल देना है, फर्स्ट नेम कंफर्म कर देना है। उसका मिडिल नेम अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं, उसके बाद आपका लास्ट नेम आपके पास अवेलेबल है तो वो आपको डालना होगा एंड वेरीफाई करना होगा। उसके बाद पूछता है आपका मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर खुद का ही लगाना है एंड उसके बाद मोबाइल नंबर कन्फर्म कर देना। कन्फर्म कर लो आपको दोबारा डाल देना। वहीं आपको नीचे दिखाई देगा आपको अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, कोई और नंबर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं अन्यथा खाली छोड़ देंगे। उसके बाद दिखाई देगा ईमेल आईडी, तो आपको ईमेल आईडी डाल देना है एंड @gmail.com यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है। जीमेल है या हॉटमेल है, जो भी मेल है वो ईमेल आईडी दोबारा से आपको नीचे डालना होगा एंड कैप्चा कोड डालने के बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ 20 से 50 KB, वही सिग्नेचर आपका 10 से 30 KB के बीच में अपलोड कर देना है। अपलोड करेंगे यहाँ पे आई कन्फर्म कर देंगे तो आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो पूछता है आपका किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हो, एडवांटेज 2 के लिए या फर्स्ट के लिए, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए एडवांटेज आप फर्स्ट करके चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका पोस्ट आपको दिखाई देंगी, तो आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो वो पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड यहाँ पर पूछता आपका कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए आवेदन करना चाहते हो। देखिए जिस कैटेगरी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है वो कैटेगरी यहाँ पर शो नहीं होगी, तो यहाँ पे जो कैटेगरी में वैकेंसी है वही कैटेगरी आपके लिए शो हो जाएगी। जहाँ जनरल है, OBC है, EWS है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वही आपका शो होगा, ठीक है। उसका पूछता है 40% विकलांग तो नहीं है, विकलांग है तो यस करेंगे ना तो आपको नो करना होगा। एंड आपको पूछता है आपका आप विकलांग हैं, आपको जो है आपको दिखाई नहीं देता है, आपको लिख नहीं सकते तो आपको राइटर की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो आपको डालना होगा। वहीं आपका पूछता है आपका रीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो वो आपको डाल देना है एंड पूछता है आप मुस्लिम समुदाय से हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर हिंदू है तो आपको नो करना है, अल्पसंख्यक हैं तो आप यस करेंगे अन्यथा आपको नो करना होगा। उसका एक्सर्विसमैन है तो आपको यस कर देना है अन्यथा आपको नो करना होगा। एंड यही पूछता है आपका आपको डिसेबिलिटी आपका जो है डिसेबिलिटी एरिया आपका जो है तो आपके पास अवेलेबल है डिफरेंस पर्सनल डिसेबल, तो आपका कोई अलग से डिफरेंस आपका वो है विकलांग सर्टिफिकेट तो आप यस कर सकते हैं अन्यथा आपको नो कर देना। उसके बाद आप SPMCIL में आपने जॉब किया है तो यस कर सकते हैं अन्यथा आपको नो कर देना है। विधवा महिला है या आपका जो है डिवोर्स हो चुका है तो वो यस कर सकते हैं अन्यथा आपको नो करना होगा। वहीं आपको पूछता है डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग इन विंट SPMCIL, तो आपने यहाँ पे आप जो है रिलेटिव वर्किंग कार्य करता है कोई तुम्हारा तो इस पर तो आप यस कर सकते हैं तो आपको नो कर देना है। एंड उसका पूछता है आपका क्रिमिनल केस है कोई तो वो आपको डालना होगा। एंड पूछता है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप जो है कोई इंडस्ट्रियल एरिया में कार्य करते हैं तो वो आप यस कर सकते हैं। उसका पूछता है वेदर अकॉर्डिंग टू आपका जो इतने इतने तो आपका डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन बहुत सी इन्फॉर्मेशन रेगुलर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो आपका जो रिजल्ट है वो इस हिसाब से जो है डिक्लेरेशन हो चुका है, तो आपको यहाँ पर क्या है अगर आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज है चूँकि आपकी इन्फॉर्मेशन तो आपको यस करना है अन्यथा आपको नो
कर देंगे। ये आपका नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर पूछता है एग्जाम सेंटर, तो आपको एग्जाम सेंटर डालने होंगे। आगे दिखाई देगा आपका डेट ऑफ बर्थ, तो उसका पूछता है मेल है फीमेल है, वो पूछता है ट्विन ट्विन ब्रदर सिस्टर जुड़वा बहन भाई, तो यस करेंगे न तो आपको नो पूछा मैरिड है अनमेरिड है वो आपको डालना होगा। नीचे आपको फादर्स नेम जो है डालना होगा एंड मदर्स नेम डाल देना है। उसके बाद दिखाई देगा आपका एड्रेस डिटेल, तो एड्रेस डिटेल में आपको क्या क्या आपका हाउस नंबर है गली नंबर है ये सारी चीज प्लेस है पोस्ट है आपका मोहल्ला है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका राज्य किस राज्य से बिलोंग करते हैं एंड आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देना है एंड पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हो। उसका पूछता है जीएसटी किस एड्रेस पर कटवाना चाहते हो, तो आप नॉर्मली कोई भी एड्रेस ले सकते हो। उसका वैलिडिटी और डिटेल करेंगे वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा एंड आपको सेवन नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछता है ग्रेजुएशन आपका किस आपने किस अवस्थे किया था, तो आप यहाँ पे अदर नॉर्मली डाल सकते हैं। तो आपको साइंस है आर्ट है कॉमर्स है वो आपको डालना हो कि स्टेट में आपने पास किया है तो वो आपको डाल देना है, परसेंटेज क्या था वो आपको डाल देना है, डिवीजन कौन सा है वो आपको डालना हो, आईटीआई है आपके पास क्या क्या आपके पास अवेलेबल है, तो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, जो आप प्रेजेंटिंग वर्क कर रहे हैं एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, किस पद पे किया था कौन सी जगह किया था कब से कब तक किया है नेचर क्या था रीजन ऑफ छोड़ने का कारण, तो ये आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर पूछता है आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, आपसे आपको हिंदी है पढ़ना लिखना बोलना आता है, वहीं आपका इंग्लिश है पढ़ना लिखना बोलना आता है, ठीक है, तो उसी तरीके से आपका संस्कृत है या जो भी आपकी भाषा है वो आप अपनी यहाँ पर लिख सकते हैं। पढ़ने लिखनी बोलनी तीनों आती है, उसका वैलिडिटी और डिटेल करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपका जिस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपका कंपलसरी दी गई है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपको जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड यहाँ पर आपको क्या है नॉर्मली फिल करना होगा। करने के बाद आपको डिवीजन डालना है कौन सा डिवीजन है, तो आप आईटीआई है जो भी आपका मांगा गया वो सर्टिफिकेट तो आपको देना होगा एंड उसके बाद आपको सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक करने के लिए आ जाएगा, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक कर लेना है एंड आई एग्री कर लेना है, गलती है तो आप बैक करेंगे नहीं तो आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे करना होगा एंड आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे आपको देखिए लेफ्ट थंब, सबसे पहले आपको क्या अपना लेफ्ट थंब जो है अपलोड करना होगा, लेफ्ट थंब के बाद दिखाई देगा आपको हैंड डिक्लेरेशन, तो आपको हैंड डिक्लेरेशन क्या है यहाँ पे दिखाई देगा IPPS हैंड डिक्लेरेशन सर्च मार लेना गूगल पे एंड आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पर आपको आई यहाँ पर आपको अपना नेम हियर हेयर वाई डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट एंड ट्रू एंड वैलिड, इट आई विल प्रेजेंट द सपोर्ट डॉक्यूमेंट एट वैन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखा दूंगा। तो ये आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जब तक आप अपलोड नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका नहीं खुलेगा, तो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है कैप्चा कोड डालना होगा। उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI आप किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा, तो आशा करता हूँ आप अपना फॉर्म जो है खुद ही फिल कर पाएंगे। और वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।